जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, ओके, हम लोग अब ज़्यादा फोकस करेंगे आईआईटी की प्रॉब्लम्स में, जेई मेन्स एंड जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स पे। तो जेई मेन्स में तो वैसे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बस थोड़े से तुम्हारे स्कूल से थोड़ा सा बेटर बोल सकते हो तुम, थोड़ा सा ही बेटर होते हैं, ज़्यादा बेटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेनली एडवांस और जेई मेन्स की बात करेंगे हम लोग। तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारे डाउट्स भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में, जो कि प्रॉब्लम सही से होंगे, अच्छे डाउट्स होंगे, ओके, विल ट्राई टू कवर ऑल। कुछ तो डाउट्स तुम लोगों ने जो पूछे हैं वो आगे फर्दर मेथड्स पे बेस्ड हैं, जो कि हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो पहले देखते हैं जो डाउट तुम लोग अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आराम से कर सकते थे जिस प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम था वो कुछ ये है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, राइट, अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये पूछी है तुम लोगों ने। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल है, बस ये क्या है कि थोड़े से टर्म्स इसमें ज़्यादा है तो तुम्हें लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, ठीक है। कितने टर्म्स हैं इसमें? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री टाइप से अप टू 90 डिग्री, ठीक है। तो कितने हो गए? 90। तो इन ईच 10 देयर आर 2 टर्म्स, ठीक है। तो अप टू 90 में कितने हो गए? 2 × 9, 18 टर्म्स हो गए, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो, सिंपल एपी से भी सोच सकते हो, एपी है भाई 5, 10, 15 टाइप की एपी बन रही है, ठीक है। 90 तक कितने टर्म्स आएंगे? तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दोगे, Tn = a + n - 1 × d। एपी का ये रिजल्ट तो सबको पता ही है, ठीक है। Tn का मतलब nth टर्म, जो कि 90 है, ठीक है। a की वैल्यू 5 है, n - 1 × d। d कितना है, डिफरेंस कितना है? 5। तो यहाँ से n की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी? वही आ जाएगी, ठीक है। 18 टर्म्स हैं ओवरऑल, राइट। तो 18 टर्म्स हैं। अब करना क्या है, हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब तो क्लियर है, रब कर दिया, ठीक है। जिसको क्लियर नहीं था वो नोट कर सकता है, उसको नोट कर ले पॉज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर क्या सकते हैं, हमें ये सोचना है हम कर क्या सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स, जैसा तुम्हें बताया है, इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स अप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो हमें ये ट्राई करना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ये हम यूज कर सकते हैं, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए बिल्कुल, ओके। तो क्या यूज कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब साइन में दिख रहा है, कॉस में तो दिख नहीं रहा है, ओके। 90 को तो भूल ही जाओ, 90 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। 90 की वैल्यू तो 1 है, इसको तो पुट ही कर सकते हो 1। इससे पहले क्या था? साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 85 डिग्री को अगर हम लिखेंगे 90 - 5, ठीक है, 5 स्क्वायर ऑफ दिस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 5 डिग्री में। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर 5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे कन्वर्ट करना कॉस में, ठीक है, तो 85 तो हो गया 5 डिग्री में, इससे पहले 80 आया होगा, वो किस में हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 10 डिग्री में। उससे पहले 75 आया होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 15 डिग्री में। नाउ यू कैन सी, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा सारी बातें, ठीक है। क्या यूज हो रहा है? सब जगह ये रिजल्ट यूज हो रहा है, ठीक है। बट कहाँ से यूज हो रहा है? इधर से 5 डिग्री 5 डिग्री, वो 1 जो है वो 1 ये अलग हो गया है, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। ये पुट कर दिया हमने, इसका काम नहीं है, वो 1 पुट कर दिया, राइट। तो 1 को अगर हमने हटा दिया, 18 टर्म्स थे, 1 हमने हटा दिया है, एक टर्म अलग कर दिया है, तो बचे कितने? 17 टर्म्स बचे। तो 17 टर्म्स बचे, और इधर का टर्म और उधर का टर्म कंबाइन होकर क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो 5, 5 कंबाइन हो गए, 10, 10 कंबाइन हो गए, 15, 15, राइट। एंड यू हैव 17 और पेयर्स बना रहे हो, इधर से राइट से लेफ्ट से पेयर बना रहे हो कंबाइन करके, इधर दोनों को कंबाइन करके 1 कर दे रहे हो, कंबाइन करके वन कर दे दो, राइट। तो क्या होगा, सब पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर्स बन जाएंगे, 17 टर्म्स हैं तो कितने पेयर्स बन जाएंगे, ऑब्वियसली ठीक है 8 पेयर्स बन जाएंगे, 8 और 8 टर्म रह जाएगा। ये जो 8 पेयर्स बने हैं ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू कितनी होगी 8 into 1 प्लस एक टर्म ये बच गया है। वो टर्म कौन सा है, दिस यू हैव टू थिंक, ये हमें सोचना है। ऑब्वियसली क्या है वो मिडिल वाला टर्म, ठीक है। 90 को अलग कर दिया था, 85 और 5 डिग्री के मिडिल में ठीक है कौन सा वाला टर्म आएगा, ठीक है 5 टू 85 में कितने 17 टर्म्स थे। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ऑड टर्म्स होते हैं, ऑड टर्म्स ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होता है, जैसे 3 टर्म्स है हमारे पास तो हम क्या करेंगे 3 + 1/2 कर देंगे, 3 + 1/2 तो क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 3 टर्म्स हैं अगर हमारे पास तो सेकंड टर्म इज द मिडिल टर्म, ओके। तो ऐसे तुम समझ सकते थे, क्लियर है तुम्हें। 17 टर्म्स हैं तो 17 + 1/2 से आ जाएगा कौन सा टर्म आ जाएगा, नाइन्थ टर्म आ जाएगा। इसका नाइन्थ टर्म क्या है वो तुम सोच सकते हो, चेक कर सकते हो, 80 का रिजल्ट भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो 80 का रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, जो अभी हमने लिखा था tn = a + n - 1 * d, उसको भी यूज कर सकते थे। बाय द वे मिडिल टर्म इज 45 डिग्री और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, जिसकी वैल्यू हमें पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे ये हो जाएगा 1/√2 और ये स्क्वायर, ठीक है सॉल्व हो गया। तो बस यही करना था हमें, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा। अब इसके आगे के फर्दर प्रॉब्लम समझने के लिए हमें पहले कुछ आगे के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो और क्या बातें यूज होती हैं आईआईटी में, ठीक है कॉम्पिटिशन में, उसको डिस्कस करते हैं हम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक जो भी है कुछ भी लिख सकते हो, I don't remember actually. The thing is, if you have some expression like this, a sin theta plus b cos theta, या माइनस भी हो सकता है प्लस माइनस, इट डजेंट मैटर, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। लाइक sin theta cos theta, ओके जैसे होता है ना, sin theta की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1, मिनिमम क्या होती है -1, ठीक है। सेम वे cos theta की वैल्यू, अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बोलोगे, मिनिमम क्या होगा स्क्वायर है तो मिनिमम 0, राइट। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी हमें याद रखना है, बिकॉज ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। आईआईटी की प्रॉब्लम्स में तो होता ही है, अदरवाइज भी यूज हो सकता है, और आईआईटी के प्रॉब्लम्स में तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। मतलब डायरेक्टली इस पर प्रॉब्लम 4-5 बार डायरेक्टली आ चुका है बेस्ड ऑन दिस थिंग, राइट। बाकी कहीं भी यूज हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो, फंक्शन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक, उसमें तो यूज होगा ही, नो डाउट, कई बार होगा, कई जगह होगा, ठीक है। तो इसको समझना है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस है तो वो भी चलेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है square root a square + b square, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -square root a square + b square, ये याद रखना है। अभी हम लोग डेराइव भी करेंगे और ये याद रखना, ठीक है। यहाँ माइनस भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, सोच सकते हो कि ए और बी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि ए और बी जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या यहाँ माइनस साइन लगाना है, यहाँ भी माइनस साइन लगा सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। अब ये वैल्यू याद तो तुम्हें बिल्कुल रखनी है, ठीक है, बार बार डिराइव नहीं करना है। बट स्कूल में अगर इस टाइप का यूज आ जाता है तो तुम ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं लिखोगे, जैसे हम लोग अभी डेराइव करेंगे वैसे ही सॉल्व करोगे। तो इसका हम डेरिवेशन समझते हैं, डेरिवेशन क्या है इसका, ठीक है। तो y = this लिखा हमने, कुछ भी ले लिया प्लस माइनस प्लस ले लिया, ठीक है, इसकी वेरीफाई करनी है हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो हमारा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि हम इसको एक में कन्वर्ट कर दें। इसमें साइन भी है, कॉस में है, एक में कंबाइन करके एक बना दें, साइन या कॉस कुछ बना दें पूरे को, ओवरऑल थिंग को वन टाइम, ठीक है, वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू कैन से साइन या कॉस। तो जब एक हम बना देंगे तो साइन थीटा में बना दिया तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, मिनिमम वैल्यू भी पता है, राइट। लेट्स से हमने कॉस में बना दिया, कॉस में जरूरी हम साइन में बनाए, हमने कॉस में बना दिया, ठीक है, तो कॉस की भी हमें मैक्सिमम वैल्यू भी पता है और मिनिमम वैल्यू भी पता है, राइट। तो कर सकते हैं, अब कोई ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ये करना अच्छा साइन में करना था तो इसको स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, एक में कंबाइन करके बोल रहे हैं, कंबाइन कर दें, एक बना दें हम, ठीक है। तो देखो अभी कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसी से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ जाएगा और बाकी साइन थीटा प्लस बी बाय दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, ऐसा बन गया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, राइट। ये जो वैल्यू है ए बी, गिवन टर्म्स होंगे, कुछ गिवन वैल्यूज होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज ए बी, दिस टर्म इज लेस देन वन, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेस देन वन, एंड ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब अगर ये नेगेटिव भी हो तो ये माइनस वन से कुछ बड़ा ही होगा, माइनस वन से छोटा नहीं हो सकता, माइनस टू माइनस थ्री नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड कम है, डिनोमिनेटर का ज़्यादा है, तो डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन से कम आएगा, मैग्नीट्यूड वन से कम, मैग्नीट्यूड वन से कम का मतलब क्या है, माइनस वन से प्लस वन, ठीक है। तो इसको कैसे भी सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो करना क्या चाह रहे हैं, इस वैल्यू को हमने लेट से पुट कर दिया कुछ कॉस अल्फा, ठीक है, तो वैल्यू पता है अगर इसकी दो नॉन एंगल पुट कर देंगे, नहीं पता है तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे कॉस अल्फा। लेट से ये आ रहा था 1/3 तो हमने लिख दिया कॉस अल्फा, 1/3 को हम पुट तो कर ही सकते हैं कॉस अल्फा, अल्फा विल भी समान है, हमें पता है नहीं पता इस इट डजेंट मैटर, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने कॉस अल्फा पुट किया है तो हो क्या रहा है, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, अल्फा एंगल लिया, कॉस अल्फा तो क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया ए, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेस, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, राइट। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा कुछ फाइंड करना हो, फाइंड कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में साइन अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करें इनकेस, तो कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी बाय दिस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ऐसी वैल्यू कहीं लिखी हुई है, राइट, ये लिखी हुई है वैल्यू दिस, तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, साइन अल्फा बन जाएगा अपने आप, इनकेस अगर हमने इसको कॉस अल्फा पुट किया। अगर हम इसको साइन अल्फा पुट करते तो ऑब्वियसली ये कॉस अल्फा हो जाता, क्लियर है, ठीक है। अगर बेस को हम बी में लिख देते तो ए परपेंडिकुलर बन जाता, क्लियर है सबको, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, एक को कॉस अल्फा किया, दूसरा साइन अल्फा हो गया, इससे हमें क्या फायदा हो गया, क्या मिल गया, ठीक है, इससे बहुत कुछ ये सिंप्लीफाई हो गया। अगर इसको क्लोजली तुम देखोगे, वॉच करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये एक रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट बन गया है, ठीक है। कौन सा रिजल्ट बन गया है, साइन ए प्लस बी का रिजल्ट बन गया है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर हम इसको साइन पुट करते इसको कॉस तो रिजल्ट नहीं बनता, तो भी कुछ ना कुछ रिजल्ट बन जाता है, वो रिजल्ट तो बनेगा ही, आइदर साइन में बने या कॉस में बने, रिजल्ट तो बनना ही है, बिकॉज सिंप्लीफाई तो होना ही है, राइट। तो अगर हम इसको साइन में पुट करते तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका रिजल्ट होता है, ये भी तो रिजल्ट होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस वाला रिजल्ट होता है, कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस में आ जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली साइन में आए या कॉस में आए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होनी है, मिनिमम वैल्यू -1 होनी है। साइन में आएगा तो भी, कॉस में आएगा तो भी, बिकॉज यू नो। ठीक है, कॉस ऑफ वॉट एवर एंगल, साइन ऑफ वॉट एवर, ठीक है, राइट फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये सबको पता है। ठीक है, साइन की कुछ भी साइन हो, ठीक है, साइन के अंदर थीटा लिखा हो, थीटा प्लस अल्फा लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कोई तुमसे ऐसे कहते हैं कि साइन ये लिखा हुआ है साइन, ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा हुआ है, राइट, और तुमसे कहे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तुम यही बोलोगे ना, मैक्सिमम वैल्यू तो +1 नहीं हो सकती है, बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, बिकॉज साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 ही होती है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब जब हम मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसकी 1 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू square root a square plus b square। और जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, राइट। तो ऐसे आती है इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है। ठीक है, अब इस पे कॉलम्स करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की। तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है मतलब प्लस या बीच में माइनस साइन कुछ होना चाहिए, वैसा है, एंगल सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा लिखा है, उसमें भी अप्लाई करने लगते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा में अप्लाई नहीं कर सकते हम, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करेंगे वो अलग बात है, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे, बट सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, ऐसे थोड़ी कि एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हम सब जगह बस वही अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फिर जो पर्टिकुलर टाइप है वहाँ अप्लाई करेंगे, ओके, ये नहीं कि एक चीज़ बस समझ ली और वही अप्लाई कर रहे हैं सब जगह, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बस नेगेटिव ऑफ दिस, ये हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, वो सब भी हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कस, क्योंकि ये सारी बातें नेक्स्ट टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डिटेल में आती हैं कि भाई साइन थीटा 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 कहाँ पर होता है, ऑल दीज थिंग्स। फिर भी एक चीज़ तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है, इसमें कोई, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पहले भी शायद बताया होगा कि इस लाइन पर, यहाँ पर, इधर इस लाइन पर कॉस थीटा 1 होता है इधर, ठीक है, राइट साइड में, और इधर इस लाइन के इधर कॉस थीटा -1 होता है, ठीक है। कॉस थीटा 1 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, और कॉस थीटा -1 होगा तो भी साइन थीटा क्या होगा, 0। तो इस पूरी लाइन पर साइन थीटा तो 0 है, बट कॉस थीटा इधर 1 और इधर -1, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है, ये क्लियर होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है, फिर पूरा राउंड एरिया 360 डिग्री, 360 बोल सकते हो, 2π बोल सकते हो, फिर एक और पूरा राउंड एरिया 4π, ठीक है, 0, 2π, 4π, इधर इसका मतलब होता है इस साइड का, ठीक है, इसका मतलब होता है, इस साइड का मतलब क्या होता है, ये इतना एंगल, राइट, इतना एंगल, दिस एंगल, ठीक है। तो दिस एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, या सिंपली पाई लिख सकते हो, पाई फिर एक और राउंड ले लिया, कितना हो गया 3 पर, फिर एक और राउंड ले लिया, ठीक है, एक और राउंड ले लिया, फिर एक और राउंड ले लिया, ठीक है, 5 पाई। तो पाई का ऑड मल्टीपल होगा मतलब दिस थिंग, पाई का इवन मल्टीपल होगा मतलब दिस थिंग, दिस लाइन ऑन द राइट साइड, ठीक है। ऐसे इधर इधर यहाँ पर इधर साइन थीटा 1 होता है, ठीक है, साइन थीटा 1 होता है तो कॉस थीटा क्या होता है 0 होता है, ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सबको क्लियर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो एक 1 हो जाएगा अगर, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है ये 90 डिग्री या पाई बाई 2 बोल सकते हो, फिर एक पूरा राउंड ले लिया, 2 पाई इसमें ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर एक पूरा राउंड ले लिया, कितना आ जाएगा 9 पाई बाई 2 आ जाएगा, सो ऑन। ये हमें पता होना चाहिए, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस होगा, ये सारी बातें यूज़ होंगी, बट अभी से पता होना चाहिए, बिकॉज इस पे प्रॉब्लम तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी मिल सकता है कि थीटा क्या हो सकता है, कॉस थीटा 0 के लिए, साइन थीटा 1 के लिए, ठीक है। कॉस थीटा 0 की बात अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज कॉस थीटा 0 इधर भी होगा, ठीक है, इधर साइन थीटा क्या होगा -1 होगा और कॉस थीटा अगेन 0 हो जाएगा इस लाइन के लिए, डाउन लाइन के लिए, ठीक है। और ये कितना है एंगल, दिस मच एंगल, कितना हो गया 270 डिग्री, डिग्री की बात कर रहे हैं अगर हम, और अगर हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो कितना हो गया ये 3 पाई बाई 2, अगेन 2 पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, इधर हो गया, इधर 7 पाई बाई 2, ठीक है, 9 पाई बाई 2 इधर हो गया, इधर 11 पाई बाई 2, ये एंगल सारे इस साइड के, ठीक है। तो π/2 के ऑड मल्टीपल के लिए cos थीटा 0 होगा और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के लिए sin थीटा 0 होगा, ये सारी बातें आगे भी यूज होंगी, ठीक है, बट अभी से पता होनी चाहिए, ओके। ये एंगल मेरे ख्याल से देख नहीं रहा है, ओके, फिर से लिख दे रहे हैं कि नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली लाइन का मतलब है साइन थीटा -1, ठीक है, एंड कॉस थीटा 0, राइट, इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का डाउन लाइन का, ठीक है। और कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा 0 और थीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अभी लिखी थी वैसे 3 पाई बाई 2 बोली भी है, ठीक है, तो सबको याद होनी चाहिए 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 2 आ गया, लाइक दैट, 2 पाई 2 पाई ऐड करते हो, ठीक है। एक एंगल पता है, अब उसमें इस लाइन को दोबारा फाइंड करना है तो अगेन पूरा राउंड लेना पड़ेगा, 2 पाई ऐड कर दो, अगेन फाइंड करना है तो अगेन 2 पाई ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बात है, ये सारे एंगल्स हमें, इतने एंगल्स तो हमें क्लियर होने चाहिए कि साइन थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, बिकॉज ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ओके। ये हो गया। अब ऐसे ही तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकता था कि साइन x प्लस π/3 प्लस कॉस x प्लस π/3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, जो हमारा थीटा था, थीटा की जगह x प्लस π/3 आ गया, ठीक है। तो ये सेम यही प्रॉब्लम है, डिफरेंस इज x की जगह x प्लस π/3 लिखा हुआ है, राइट। अगेन हमें क्या चेक करना है, जैसे तुम्हें पता चल गया कि ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ए की वैल्यू क्या है, हमें चेक करना है बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1, मिनिमम वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है, -√2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू +√2 हो गई, ठीक है, बस दैट्स इट, हो गया, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी ये मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पर मिलेगी ये मिनिमम वैल्यू, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अभी उतना हमें सोचना नहीं है, राइट। और इस पे हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम जो तुम लोगों ने पूछा था उसकी बात करते हैं। प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब अगर ये तुम लोग 5 मिनट में भी अपने आप सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है तुम्हारी प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही और कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, टेक 5 मिनट्स टाइम देन कम बैक। ओके, पॉज कर लो और उसके 5 मिनट के बाद इसको और डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करने के लिए समझ लो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल नहीं। व्हाई? बिकॉज एंगल इज फिक्स्ड, ये वेरिएबल एंगल नहीं, फिक्स एंगल। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड है हमारे उस कॉन्सेप्ट से, उसके जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने वो सिंप्लीफाई किया था। कैसे सिंप्लीफाई किया था? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो वही काम करेंगे। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या -1 जो भी समझो। ठीक है, तो -1 स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/√2 कॉस 9 डिग्री माइनस 1/√2 साइन 9 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब समझ में आ गया, अगर हम इसको साइन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस, इसको कॉस पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन। तो लेफ्ट से हमने पुट किया इसको साइन, तो साइन 45 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 9 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब ये समझ में आ गया कि ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, साइन ए माइनस बी मतलब साइन 45 माइनस 9, 45 माइनस 9, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और ये कितना हो गया √2, कितना हो गया साइन, दिस हैज बिकम 36 डिग्री। साइन 36 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कुछ एंगल्स कहे थे, हमें याद रखना कौन सा एंगल्स बताए थे। एक तो बताया था साइन 18 डिग्री बताया था। ठीक है, साइन 18 डिग्री कितना होता है √5 माइनस 1/4 होता है। ठीक है, और दूसरा था कॉस 36 डिग्री, कितना था, यहीं से याद हो जाएगा √5 प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, साइन 18 डिग्री को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 72 डिग्री व्हाट, 90 माइनस 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री आ जाएगा। कॉस 36 डिग्री को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 कितना हो गया 54, साइन 54। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इसको याद रखना होता है, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अब जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये क्या यूज हो रहा है, ये तो साइन 36 है, तो साइन 36 किससे फाइंड करोगे, कॉस 36 से फाइंड करोगे, राइट। क्या लिखोगे, लिखोगे √2 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, कॉस 36 की वैल्यू कितनी है √5 प्लस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम आ जाएगा 4 स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 4, √2/4। ठीक है, और अंदर स्क्वायर रूट में क्या आएगा 16 माइनस दिस, स्क्वायर कर दो, 5 प्लस 1 6, 16 है तो कितना हो गया 10, माइनस, माइनस कितना बचा, माइनस बचा 2√5। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करना है तो 2 को कॉमन ले लो, 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट है √2 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, 2/4 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, क्या बचा 2 कॉमन लेगा 5 माइनस √5। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। बाकी और कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा हो, ठीक है, ये आ गया है, सॉरी वहाँ लिखने का होगा, ये आ गया है 2 कॉमन लेने के बाद 1/2। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 5 माइनस कितना बचा √5, ये आ गया। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड। ठीक है, अगर फर्दर कोई चाहे तो √5 एक और कॉमन ले सकता है, बट बाहर अगर √5 लिया तो वो सिंप्लीफाइड नहीं दिखेगा, बिकॉज बाहर भी एक स्क्वायर रूट है, तो √5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, मतलब 5 to the power 1/4 टाइप से आएगा बाहर के। ओके, तो वो सिंप्लीफाइड नहीं दिखेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे वो, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे एक रिजल्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे उसको। रिजल्ट इज दिस, तुम लोगों ने एक प्रॉब्लम पूछी है उसमें ये अप्लाई होगा, ठीक है। रिजल्ट इज दिस, tan थीटा को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें, इस टाइप के 2-3 रिजल्ट होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई एक्सपेंशन है, बड़ी सी सीरीज है tan थीटा के टर्म्स में, तो 99% टाइम्स यही यूज़ हो रहा होगा, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। ठीक है, तो इस टाइप के रिजल्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको डेराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। ओके, तो इतना रखते हैं आज बस, बाकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, नॉर्मल क्लास में। ओके, बाय।